आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर कक्षा 7 विषय गणित प्रश्नावली 2 भाग 2 प्रकरण भिन्नों में चारों संक्रिया जोड़ बाकी गुणा व भाग। जोड़ संक्रिया जिन भिन्नों का हर समान हो उनका योग बिना लेस के किया जा सकता है, जैसे 3/4 प्लस 5/4 बराबर 8/4। जिन भिन्नों का हर समान नहीं होता है उन भिन्नों का योग लेस लेकर करते हैं, जैसे 3/5 प्लस 6/15 प्लस 7/3 लघुत्तम आया 15। 15 में 5 का भाग देने पर प्राप्त हुआ 3, 3 को 3 से गुणा करने पर 9, 15 में 15 का भाग देने पर 1 प्राप्त हुआ, 1 को 6 से गुणा करने पर प्लस 6, 3 का भाग 15 में देने पर 5 प्राप्त हुआ, 5 को 7 से गुणा करने पर प्लस 35 बराबर 50/15 या 3 से ही 5/15। बाकी संक्रिया जिन भिन्नों का हर समान हो उनका बाकी बिना लेस के किया जा सकता है, जैसे 7/6 माइनस 4/6 बराबर 3/6। जिन भिन्नों का हर समान हो उनका बाकी लेस लेकर किया जाता है, जैसे 9/7 माइनस 5/21 लघुत्तम 21, 21 में 7 का भाग देने पर प्राप्त 3, 3 को 9 से गुणा किया 27, 21 में 21 का भाग देने पर 1, 1 को 5 से गुणा करने पर माइनस 5 बराबर 22/21 यानी 1 से ही 1/21। गुणन संक्रिया दो या दो से अधिक भिन्नों का गुणन करते समय अंशों का गुणा बटा हरों का गुणा करते हैं, जैसे 3/2 गुणा 5/4 गुणा 6/7 3/5 15 6 90 2/4 8 8/7 56 यानी 90/56। यदि सभी भिन्न धनात्मक हों तो गुणनफल भी धनात्मक होता है, जैसे 2/5 गुणा 7/3 बराबर 14/15। यदि ऋणात्मक भिन्नों की संख्या सम हो तो गुणनफल धनात्मक होता है, जैसे -2/3 गुणा -4/5 बराबर प्लस 8/15। यदि ऋणात्मक भिन्नों की संख्या विषम हो तो गुणनफल ऋणात्मक होता है, जैसे -3/2/3 गुणा -3/4 गुणा -1/2 बराबर -6/24। भाग संक्रिया जब एक भिन्न का भाग दूसरी भिन्न में देते हैं तब जिस भिन्न का भाग देते हैं उस भिन्न को गुणा करते हुए अंश की जगह हर व हर की जगह अंश लिखते हैं, जैसे 18/15 भाग 5/6 बराबर 18/15 गुणा 6/5 बराबर 108/75। यदि भाज्य व भाजक दोनों ही धनात्मक हों तो भागफल भी धनात्मक होता है, जैसे 10/6 भाग 5/3 बराबर 10/6 गुणा 3/5। 5 से 10 को काटने पर 2, 3 से 6 को काटने पर 2 यानी 2/2 बराबर 1। यदि भाज्य व भाजक दोनों ऋणात्मक हों तो भागफल धनात्मक होता है, जैसे -3/4 भाग -2/3 बराबर
माइनस तीन बटा चार गुणा माइनस तीन बटा दो बराबर नौ बटा छः। यदि भाज्य भाजक में कोई भी एक ऋणात्मक हो वह एक धनात्मक हो तो भागफल भी ऋणात्मक होता है। जैसे पाँच बटा छः भाग माइनस तीन बटा दो बराबर पाँच बटा छः गुणा माइनस दो बटा तीन बराबर माइनस दस बटा अठारह। गृह कार्य निम्न को हल कीजिए। सवाल नंबर एक, तीन बटा पाँच प्लस सात बटा पाँच प्लस नौ बटा पाँच। सवाल नंबर दो, सात बटा सोलह प्लस चार बटा आठ प्लस पाँच बटा चार। सवाल नंबर तीन, नौ बटा सोलह माइनस सात बटा सोलह। सवाल नंबर चार, छः बटा सात माइनस नौ बटा इक्कीस। सवाल नंबर पाँच, पाँच बटा तीन गुणा माइनस दो बटा छः। सवाल नंबर छः, माइनस तीन बटा दो गुणा माइनस चार बटा पाँच गुणा माइनस दो बटा सात। सवाल नंबर सात, अट्ठारह बटा छः भाग तीन बटा बारह आठ, बीस बटा आठ भाग माइनस पाँच बटा चार।